हाँ जी, सो वेलकम बैक टू न्यू डे न्यू व्लॉग। तो भाई आज फाइनली हम तैयार हो गए। कल भी हमने तैयार होना था, बट एकदम से जो हमारा प्लान है वो रिवर राफ्टिंग का बन गया था, तो इसलिए हम आज फाइनली तैयार हो गए और हम जा रहे हैं आज शिमला मॉल रोड घूमने। भूख बढ़िया लगी है, हमने ना एक दिन कर लिया ब्रेकफास्ट। फर्स्ट दिन होता हमारा कि पहले दिन चले ब्रेकफास्ट करने, उसके बाद सुबह नींद नहीं खुलती हमारी। आज ब्रेकफास्ट भी नहीं करा हमने, और ऊपर से एक और चीज जो है, एक और पहले यहाँ से निकलते गड्ढे बहुत है। क्या हमारे साथ जो दूसरी चीज हुई है वो मैं बता दूं कि मेरी किसी ने आज फेक आईडी बनाई है, और जितने भी मेरे फॉलोअर्स या फॉलोइंग में है ना, उसने सबको रिक्वेस्ट भेजी और उसके बाद सबको मैसेज कर रहा है कि मेरे को इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करो, मेरी फोटोज वगैरह यूज कर रहा है और कह रहा है कि इस नंबर पे मैसेज करो और पैसे वगैरह भेजो, इमरजेंसी है, ये है वो है। तो अगर आपको किसी नंबर से या किसी इंस्टाग्राम पे जिस पे मेरी फोटो लगी हुई है मैसेज आए, तो उसका रिप्लाई मत करना और साथ में प्लीज ब्लॉक भी मार देना और रिपोर्ट भी कर देना। भाई आज हम निकले 4:30 बजे, टाइम देखो 4:30 बजे है, सुबह के उठे हुए हैं टाइम से, लेकिन ना सबको आलस आ रहा था क्योंकि कल जो एडवेंचर है थोड़ा ज्यादा हो गया था ना, तो सबको आलस आ रहा था कि कौन तैयार हो, कहाँ जाना है, क्या करना है। 4 बजे हाँ, पूरी रात भाई सारे कमरे में बैठे हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं। जो ऊपर पूल खेलते हैं ना, जहाँ पे पूल खेलने वाला जो एरिया है, तो सुखी और काके पारी वहीं पे अकेले थे, तो ना पाजी को हल्की सी नींद आ गई और ये अकेला बैठा हुआ स्टेडियो की तरफ देख रहा है। नहीं, सब कुछ अभी नहीं बताना, स्टेडियम नहीं, नहीं स्टेडियम नहीं पाजी, ये चीजें बहुत बड़ी होती है ना। ये तो ये मैं व्लॉग में डाल दूंगा कि शिमला में हमें भूत मिल गया। भाई हमारे ये पाजी क्या बैठा हुआ, तो इसको क्या हुआ, एकदम इसको लगा स्टेडियो पे ना कोई है, पहले इसको आवाज आई ठक 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 की, फिर क्या हुआ एकदम जहाँ सीढ़ियाँ होती हैं, 3-4 सीढ़ियाँ उतर के कोई आया था बस, ऊपर दिखा नहीं कौन है, और बाकी सारे दरवाजे बंद थे, बाहर जो मेन वाला एंट्री वाला बंद है, जो मेन गेट है वो भी बंद था, ताले लगे हुए, सारे गेट बंद थे सारे, और आस पास कोई दिख भी नहीं रहा, कोई है भी नहीं, और ऊपर क्या है, ऊपर कुछ भी नहीं है भाई, ऊपर रूफ है बस। 3:30 बजे के आस पास की बात है। मैं फिर मेरे को बताता, मैं जाके जब भी पा लेता भूत को, मजा आया था। मैं व्लॉग बनाता भूत के साथ, ए देखो ए भूत मेरा फ्रेंड है, मेनू फैन मिले मरण तो बाद भी मेनू फॉलो करता है। सो फाइनली 1 घंटे बाद हमें पार्किंग मिली है मॉल रोड की। भाई साहब पार्किंग नहीं मिल रही थी हमें, मसा मसा पार्किंग मिली है सिर्फ मॉल रोड के पास वीकेंड। और हाँ, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, वीकेंड है, हमें वैसे जाम नहीं मिला, लेकिन वीकेंड ना वीकेंड में जाम मिला है। रुके सबसे पहले कुछ खाने के लिए, क्योंकि हम दोनों ने सुबह ब्रेकफास्ट नहीं किया था, तो यहाँ से ले रहे हम छोले कुलचे। भाई छोले कुलचे हमने खा लिए और यहाँ पे बन रहा है हमारा सैंडविच, स्वाद है। ओवरलोड हो गई भाई, ओवरलोड हो गई, और हम यहाँ बाहर हैं, इंतजार करो अभी यहाँ बैठे। विल गो ऑन सेकंड राउंड। भाई हमारा वेट ज्यादा ही ओवर है, पहली लिफ्ट में भी हमें ओवरलोड करके निकाल दिया, इस लिफ्ट से भी हमें निकाल दिया। हम आगे चल, इसमें चढ़ जा रहे हैं, बेदखल हो रहे हैं, पैसे दिए हैं यार हमने, पैसे दिए हैं, उसके बावजूद भी बेदखल कर रहे हैं, फिर भी बेदखल कर रहे हैं हम, क्या नाइंसाफी है हमारे साथ। पूरा पूरा लाल है, ये वाली बिल्डिंग देखना कितनी मस्त लग रही है। मेरे को एक चीज नहीं समझ आती लोगों की, जब भगवान सॉरी भगवान ने नहीं, जब इंजीनियर्स ने फोन में बैक कैमरा दिया है, फ्रंट कैमरा लेके फिर ऐसे फोटो खींचते हैं फोन का, जैसे मैं सुखी की फोटो खींच रहा हूँ, अच्छा जैसे ये मेरी फोटो खींच रहा है, ठीक है, फ्रंट कैमरा खोल कैसे फोटो खींचने लगेगा भाई, बैक कैमरा दे रहा है, मतलब सामने वाले पे भरोसा ना हो अगर आपको कि वो कैसी फोटो खींच रहा है, तो आप ऐसे फोटो भी खिंचवा सकते हो। पाजी दिल दुखा ये अकेले अकेले खाए, अकेले नहीं खा के अभी टेस्ट करें, मतलब अभी तुम्हारे मतलब ओपिनियन दे रहे हैं कि कैसा है कैसा नहीं, अब हम सब खाएंगे, लेने आए आपको, चलो 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 भाई। पाजी बता रहे हैं कि चिकन पैटीज, मोमोज और दोनों बढ़िया, दोनों बढ़िया, बम चलो भाई खाने चलते क्योंकि भूख लगी है बड़ी ज्यादा। मस्त है, त्रिशूल बेकर्स रेकमेंडेड है। कितने पैसे लेके आए वहाँ से, हम जा रहे हैं त्रिशूल बेकरी कुछ खाने, क्योंकि पाजी अभी ना वहाँ पे टेस्ट करके आए कि वहाँ की चिकन पैटीज और मोमोज जो है बड़े स्वाद हैं, तो एक बार हम त्रिशूल बेकरी जा रहे हैं, क्योंकि देखो मॉल रोड पे ना आप घूमोगे तो आपको इतना कुछ खास मजा नहीं आएगा, बोरियत सी लगेगी, लेकिन आप यही चीजें अलग अलग चीजें ट्राई करोगे तो मजा आएगा ना। ये देखो बेल्ट ना होने का नुकसान है,
बेल्ट ना होने का नुकसान। अबे गिर यार ये सामान ही इतना जेब में। हम आए त्रिशूल बेकर्स, यहाँ से हमने अभी पैटीज ले रहे हैं और मोमोज ले रहे हैं, और फिर आपको बता रहे इसका टेस्ट कैसा है। कैसा है खाने तो देख ऐसा है क्या, बिहाइंड द सीन भी दिखाऊंगा साथ में। बिहाइंड द सीन अब ना हम ड्रोन उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि अभी थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा, तो इसलिए जो व्यूज अभी आ पाएंगे ना वो बाद में नहीं आ पाएंगे। अभी हमने ना ड्रोन उड़ाया था तो विजिबिलिटी ऊपर थी नहीं, सारा धुंधला धुंधला हो रखा था, तो इसलिए हमने ड्रोन को वापसी नीचे उतार दिया। आपने क्लिप्स देख लेंगी और हमारा जो है पैटीज, चिकन पैटीज वो आ गई है। और क्या क्या लिया है? ओहो क्या बात है, मोमोज है, पेस्ट्री है, ओह क्या बात है, क्रीम रोल भी है। इसने सब कुछ लिया खाने के लिए, कुछ नहीं खाया, सबकी चक्की मार के ना मेरे को की खा लो आप, तेरी मम्मी हूँ। आगे हम निकल चुके हैं, सबसे पहले हम जा रहे हैं किसी टॉय शॉप या गिफ्ट शॉप पे, क्योंकि मीत पाजी ने अपने नेफ्यू के लिए गिफ्ट लेना है। नीस, ओके सॉरी माय मिस्टेक, नीस के लिए गिफ्ट लेना है। सो चलते हैं। गोटियां ली। लेकिन पैटीज कैसी लगी? नीस गोटे पैटीज कैसी लगी? पैटी तो भाई सच्ची में बड़ी मस्त थी, आप भी अगर आओ ना तो ट्राई जरूर करना। हमारे बचपन में तो ना ज्योमेट्री बॉक्स शॉर्पनर भी बीच में होता था, अब पेंसिल भी भाई पूरे तरीके से लगती थी इसमें। आजकल के बच्चों की बोर होते थे ना स्कूल में, बोर होते थे, पढ़ते तो थे नहीं, बटन दबा के गेट खोल जाते थे। बोल तो रानी है। हेलो हेलो रुस गया है। ये चीज बढ़िया है दिखाना पाजी, ये चीज बढ़िया है। सुखी जॉर्डन ले ले, दिस इज द ओनली जॉर्डन वी कैन अफोर्ड। तो फाइनली बेल्ट हमने ले लिया, काफी देर से ना मैं पेंट को सामने ही जा रहा था तो बहुत दिक्कत हो रही थी, तो इसलिए मैंने बेल्ट ले ही लिया है। ये देखो मैंने अभी चर्च के यहाँ पे ड्रोन हो रहा था तो ऊपर सारे बादल वगैरह हैं। मैंने नाइट व्यू लेना था यार, मैंने ना मॉल रोड का नाइट व्यू रिकॉर्ड करना था ड्रोन से, लेकिन अब क्या करें ऊपर सारे बादल वगैरह तो ढंग से वीडियो आएगी नहीं, और ड्रोन पे भी बार बार वार्निंग आ जाती है कि लो विजिबिलिटी। ये देखो यहाँ पे ये काम चल रहा है ना, यहाँ पे क्या हुआ है जो मॉल रोड की जो रोड है ना वो साइड वाली पूरी ढस गई है, तो वो रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं दोबारा। तो ना हम थोड़ी देर सारे ऐसे ही बैठे हुए हैं यहाँ पे क्योंकि चल चल के थक गए हैं, और लेडीज गई हैं थोड़ी बहुत शॉपिंग करने, तो इसलिए हम आराम से यहाँ बैठे, उनको शॉपिंग करके आने दो फिर जाएंगे आराम से डिनर करने। सिक्योरिटी दुश्मन के बेस पे हमला कर रहे हो। ऐसा लगा मसाज कर रहे हैं, मसाज कुछ और मजा आ रहा है ना, गर्दन में नहीं। अभी ना हमें एक और चीज पता लगेगी, यहाँ पे प्रेसिडेंट हाउस जो है ना वो अभी टूरिस्ट के लिए खोला, लेकिन हम कल वहाँ जा नहीं पाए, हमारे होटल के पास ही है वो प्रेसिडेंट हाउस, क्योंकि अंग्रेजों के टाइम पे शिमला जो है राजधानी था। हाँ वही राजधानी, हम देसी वाले हैं पाजी। इसको देखना कितना तेज हो रहा है, दो कुड़िया ना कुत्ते को लेके घूम रही है जाके। वेरी नाइस, वेरी क्यूट डॉग। सर सिड्डू है, मिल जाएगा। हम आगे केक मास्टर्स यहाँ से सिड्डू लेने, क्योंकि हमें किसी ने बताया कि यहाँ पे आपको अच्छा सिड्डू मिल जाएगा, मतलब जिसका टेस्ट अच्छा हो। सिड्डू भी, और देखो उधर ज्ञानीज भी है, दिखाओ उधर ज्ञानीज। ज्ञानीज लो, लाल है कोट पूरा लाल है। एकदम शाइन मारते हो सिड्डू। ओहो हो, इस पे डाले ना देसी घी। हाँ देसी घी डालते हैं भाई ऊपर, सर्व कर रहे हैं साथ में मिंट सॉस। सर अंदर फिलिंग किस चीज की है इसमें? इसमें फिलिंग है खसखस। क्या है? तिल दाल और खसखस। क्या बात, कैसा होता है? खाते हैं भाई, हमने खाया हुआ है एक जगह पे, खाया था जब मैं अपने घर वालों के साथ आया था ना तब खाया था हमने। मस्त है भाई। भाभी पूछ रही है कि सिड्डू के अंदर से यही फीलिंग आती है कुछ और भी आती है? पाजी क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ अभी तक शिमला में तो एक ही फीलिंग आती है, बाकी अगर ये सिड्डू तिलक नगर में आ गया तो शिमला मिर्च बंद गोभी वाला हर तरीके का मिलेगा, तंदूरी सिड्डू अभी होता है स्टीम्ड, फिर आएगा फ्राई, फिर आएगा तंदूरी, फिर कुरकुरे,
कुरकुरे अफगानी तंदूरी। हमारे तो कोम क्या नाम है इसका, नाम ही नहीं बोला यार, मेरे से पढ़ के भी नहीं बोला यार, कोम्बर मेरा नाम है भाई। अभी हम यहाँ पे आए थे डिनर करने, बट यहाँ पे अभी सिर्फ ड्रिंक्स अवेलेबल है, किचन बंद हो चुकी है और रात के 11 बज गए हैं। अब जा रहे हैं कहीं और पता करने कहाँ से हमें डिनर मिल जाएगा। दो तीन रेस्टोरेंट पूछे हैं लेकिन वो भी क्लोज हो चुके हैं। मुझे लग रहा है आज हमें ना शिमला में भूखा मरना पड़ेगा। तो फाइनली हमें एक रेस्टोरेंट मिल गया है, संग्राम जी का ढाबा। ये रात के 12 बजे तक खुला होता है और बना भी अच्छा हुआ, अब यहीं पे खाएंगे क्योंकि और कहीं तो अवेलेबल है नहीं। भाई यहाँ पे ना कलेश चल रहा है कि किसी के बिल में 10 रोटियां बाद तो लिख दी, ठीक है, और जब पहले 25 रोटियां खा के चले गए फिर कुछ नहीं कह रहे, जब जा रहे ना तब कह रहे रोटी बेकार है, जब 25 रोटी मंगाई तब नहीं पता लग रहा 10 रोटी है, 10 रोटी के पैसे तेरा भाई देगा, मैं क्यों दूंगा, मेरा भाई देगा, भाई नहीं ये भाई देगा 10 रोटी के पैसे, भाई देगा भाई जोगिंदर इतनी रोटी देगा, इतनी रोटी भाई जोगिंदर। बंदों की लड़ाई हुई है ना, वो कह रहे रोटी स्वाद नहीं है, सब अच्छी है, सब मुठिया भर भर के लेके जा रहे हैं। 25 रोटी खाने के बाद कह रहे हैं 35 सॉफ्ट में कवर कर लिया पैसे। काम तो पाजी करा रहे तेजी से, पाजी घन पॉइंट पे रख के बंदो कह रहे काम कर, टेबल खाली करा रहे, जोड़ एक फोर्ट में टिकट निकाल रहे हैं बोले, यही है यही है, पाजी की बंदूक भी अटकी है। अब जाओ नहीं अब चलेंगे डिनर हमारा हो गया। हमें ना लोग कह रहे थे मतलब जिनकी लड़ाई हुई थी वो कह रहे बेकार है बेकार है बेकार है, मैं भाई पापड़ दे रहे हैं, खाना बेकार है, सब्जी बेकार है, लेकिन फिर भी हम बैठ गए क्योंकि देखो मजबूरी थी हमारी क्योंकि कहीं और जा नहीं सकते थे, सारे बंद हमारे उनके रिव्यू समझ गए थे क्योंकि उनके, अरे वो हम तो वो भी समझ गए थे लेकिन हम फिर भी कहीं और भी नहीं जा सकते थे। बाकी भाई खाना बहुत अच्छा था, खाना हमने खा लिया है, अब हम जा रहे हैं अपने होटल की तरफ वापस। लिफ्ट हो गई है बंद, हाँ जो लिफ्टें बंद हो गई भाई, चल के जाना पड़ेगा सारा वापसी पार्किंग तक। इतनी सारी मेरे को तो देख के साथ चढ़ गया। रात के 1 बज गई है और हमें ना पार्किंग में चल के जाना है। मॉल रोड की जो रास्ता भी नहीं समझ आ रहा, मॉल रोड की जो लिफ्ट है जो ऊपर लेके आती है वो भी लिफ्ट बंद हो गई है, मेरे को आगे को और नीचे फ्लैश मार दे, मेरे को दिख नहीं रहा, मैं आंखों में फ्लैश पड़ रही है, मेरे को नीचे को दिख नहीं रहा, मैं फट ले भाई फट ले भाई, समझ नहीं आ रहा कहाँ जाना है। अभी देख रहे हैं लोगों से पूछ पूछ के जा रहे हैं कहाँ जाना है, लोग होगा तो पूछे, लोग ही नहीं है देखो भाई, सुनसान रोड है एकदम, ऊपर हमने पूछा था जहाँ से खाना खाया था उनसे पूछा था, उन्होंने बता दिया बस यहाँ से यहाँ चले आओ यार, सीधा जा रहा। अब देखो हमें कुछ दिखा तो है नहीं, यहाँ पे पूरा अंधेरा है भाई। तो फाइनली गाड़ी हमारी हमें मिल गई है और साथ में बारिश भी शुरू हो गई है, तो चलते हैं हम फटाफट से क्योंकि लेट बहुत हो गया भाई, 12:56 हो गए। ये देखो आगे रोड ही नहीं दिख रही हमें, अब समझ नहीं आ रहा, एकदम रुक रुक के बिल्कुल आराम से जा रहे हैं हम, स्पीड देखो वहाँ पे स्पीड भी नहीं है बिल्कुल, देखो स्पीड देखो भाई इतनी आराम से जा रहे हैं, तो बारिश तेज हो गई है ऊपर से फॉग भी है। अपने होटल हम वापसी पहुंच गए हैं और बारिश हो रही है बहुत तेज, रास्ते में तो इतना एकदम बुरा हाल हो गया था कि जीरो विजिबिलिटी, विजिबिलिटी पूरी खत्म हो गई थी, जीरो, एक तो बारिश इतनी तेज और ऊपर से धुंध धुंध कुछ नहीं दिख रहा था भाई। बाकी फिर भी हम कोई नहीं आराम आराम से आए, दोनों गाड़ियां ना साथ साथ कट्टे कट्टे चलती रही है, ये है कि सही सलामत पहुंच गए किसी तरह, बट नाइट ड्राइव इज वेरी डेंजरस। हम भी बस चलो फन फन के चक्कर में आज लेट हो गए, नहीं तो टाइम से हम वापसी पहुंच ही जाते हैं। बारिश हो रही थी ना तो हमारे कपड़े बाहर सूख रहे थे, ये देखो सूखी यहाँ पे ना सूखने पा गए थे, थोड़ी सी गीली हुई है बस मेरे कपड़े, मेरा तौलिया भाई सूखा हुआ, तेरा गिल्ला है तौलिया, गिल्ला है साइड से हल्का हल्का गिल्ला, बाकी सूखे हुए हैं, बच गया भाई, के गया था मैं, इतना शुक्र है, और ये शुक्र है उड़े थी फोटो पहले अंदर दी थी, सबसे मेन फोटो खींचने के चक्कर में हमने इधर को करे थे ये यहां पे फोटो खींच जी। तो फाइनली आज के इस लोगों करते हैं यहीं पे खत्म, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट के बताना कि वीडियो कैसी लगी, वीडियो को शेयर करना मत भूलना और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना, ठंडे ठंडे के बाय बाय, लव यू।